मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको 30 प्रश्न हल करके बताए थे, हिंदी व्याकरण से संबंधित वो प्रश्न थे। वैसे ही इस बार मैं फिर 30 प्रश्न डाल रहा हूँ जो कि अगले कुछ टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसमें संधि, समास, अलंकार, इन सब के बारे में बताऊँगा। तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ूँगा, आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप उन विकल्पों को पढ़िए और इसका आंसर अपने मन में करके सोचिए और मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। इनमें से जितने भी प्रश्न हैं ये सब के सब किसी ना किसी UPTET के पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। मैं उन्हीं पेपर के उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रहा हूं। इसमें पहला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें है भाववाच्य। इसमें क्या है, भाव के बारे में बता रहा है, मुझसे उठा नहीं गया है। ना तो इसमें कर्म की प्रधानता है ना ही कर्ता की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। यह UPTET 2017 में आया था। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, निह प्लस कपट यह विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या है, निह प्लस कपट, इसमें नि के पीछे विसर्ग आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद क्या है। UPTET 2013 का क्वेश्चन है ये। पवन का संधि विच्छेद है पौ प्लस अन। और अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है। इसमें आप विकल्प देखिए और इसका भी है विसर्ग संधि है ये, पुनः प्लस जन्म, ये होगा पुनर्जन्म। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि, पहले इसको आप तोड़िए, इति प्लस आदि, तो यहाँ पे इसका जो जहाँ पे संधि हो रही है वहाँ पे पहला स्वर है इ, इति, और आदि का आ, तो इ प्लस आ जहाँ पे होता है वहाँ पे हियर संधि होती है। और अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी इस वाक्य में कौन सा कारक है। जो कारक होते हैं 8, कर्ता ने, कर्म को, ऐसे करके, तो उसमें कौन सा कारक है, छत से ईंट गिरी, यहाँ पे छत से ईंट अलग हो रही है तो यहाँ पे होगा अपादान, अपादान से जहाँ पे अलग होने की फीलिंग आए वहाँ पे अपादान कारक होता है। और 7 का बी, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के, कर्ता ने, कर्म को, क्रिया से, इस तरह के हैं, सॉरी क्रिया से नहीं है। और अगला प्रश्न है, महोर्मी का संधि विच्छेद बताइए। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है, महा प्लस उर्मी, यह हो गया महोर्मी। और अगला है, चराचरम में कौन सा समास है। चराचरम, चराचरम जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, इसमें है कर्मधारय समास। अगला शब्द है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है ना, जो कि उसमें भाव को दर्शाता है। जैसे उत्साह जो है, उत्साह कब होता है, जब वीर रस होता है। इसमें क्या है, वीर रस, ये वीर रस का स्थायी भाव है। जब वीर आदमी, किसी भी इंसान को जब वीरता का अनुभव होगा तो उसमें उत्साह आएगा। और 11 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ये होगा रति, ठीक है। अभी है 12, 12 में यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति, यथाशक्ति में क्या, यथा प्लस शक्ति, यथा एक उपसर्ग का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या, अव्ययी भाव समास है, जहाँ पे भी उपसर्ग आते हैं, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है। और 13 का सी, द्विग समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो द्विग समास का कौन सा उदाहरण है, यहाँ पे नवग्रह, जहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, नवग्रह मतलब 9 ग्रह। अगला है 14 का, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरथ का क्या है, यह भी विसर्ग संधि है, मन प्लस रथ, ये विसर्ग आ रहे हैं मन के बाद। और 15 का, विद्यार्थी उदाहरण है। तो विद्यार्थी किस चीज का उदाहरण है, यहाँ पर विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि या व्यंजन संधि का। तो विद्यार्थी है दीर्घ स्वर संधि का। अगला है,
16 क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसमें प्रश्न है, इसके ऑप्शन है अनुग्रहित तो इसमें आंसर है अनुग्रहित, बी नंबर है जो, यह आंसर है इसका। अब है 17 का ए में, सॉरी आंसर तो मैंने बता दिया। कान लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान लगाना जो मुहावरे है उसका क्या अर्थ है? ध्यान देना, कुछ ना सुनना, शिकायत करना और सावधान करना। तो इसका है ध्यान लगाना। और अगला है 18वां, निम्न में से अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया कौन सी है? रोना, गाना, खाना और पीना। तो इसमें से आएगा आंसर यह 18 का ए, रोना। 19वां प्रश्न क्या है? और शब्द किस प्रकार का अव्यय है? और जैसे बोलते हैं ना राम और सीता, या और बताओ ऐसे, तो ये किस प्रकार का अव्यय है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। यह समुच्चय बोधक है। 20 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है? 12, 14, 16, 18, तो यह है 16। 21वां है, निम्न में से कौन सा वाणिक छंद है, मतलब कौन सा ऐसा छंद है जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है? तो यह है डी, ये सभी है, इंद्र वज्रा, सवैया, कवित। ठीक है, अभी है 22वां क्वेश्चन, तरण तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए, यह छंद है, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्त। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे जो त वर्ड है इसकी बार बार आवृत्ति है, बार बार यह आ रहा है पूरे में, 3 बार कम से कम आना चाहिए, 5 बार आया है लगातार। अभी प्रश्न नंबर है 23, 23 में सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? शांत रस, हास्य रस, करुण रस और श्रृंगार रस। तो इसका उत्तर है श्रृंगार रस। अभी है 24वां प्रश्न, निर्वेद स्थाई भाव है, निर्वेद किस रस का स्थाई भाव है? तो यह है शांत रस का, निर्वेद मीन्स वैराग्य, तो वैराग्य जहाँ है वहाँ शांति है। अभी कुछ प्रश्न हैं जिनमें शुद्ध शब्द का चयन करना है, 4 विकल्प हैं, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? जैसे 25वां प्रश्न है, आनुषंगिक, आनुषंगिक, अनुषंगिक और आनुषंगिक। तो इसमें है पहला ए, इसको क्या बोलते हैं? आनुषंगिक। अभी 26वां प्रश्न है, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत अक्षरी और अंताक्षर। तो इसका भी है 26 का बी, अंत्याक्षरी। अभी अगला प्रश्न है 27, 27 का क्या है? इसमें सही शब्द बताया है, सही शब्द क्या है? सुषमा, सुषमा, सुषमा और सुषमा। तो इसमें सही शब्द है ए, सुषमा। अभी एक मुहावरा है, आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अप्रिय लगना। और 29वां प्रश्न है, 4 गज मलमल, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें दोस्तों क्या बोला, 4 गज मलमल, मलमल का जो एक पीस है या टुकड़ा है वह 4 गज का है, मीन्स 4 गज है, इसका एक परिमाप बता रहा, परिमाण बता रहा है कि इसका माप क्या है, इसमें होगा परिमाणवाचक विशेषण। अभी 30वां प्रश्न है, निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो मौखिक अभिव्यक्ति किस चीज़ में ज़्यादा आती है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशुभाषण। तो शुद्ध वर्तनी तो लिखने में भी यूज होता है और बोलने में भी, सुलेख लिखते हैं, श्रुतलेख भी लिखते हैं, आशुभाषण ये हमें बोलने का ही मेन काम है, मौखिक है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न किसी ना किसी UPTET एग्जाम में ज़रूर आए हैं, वही मैंने छांट के यहाँ पे 30 प्रश्न आपके सामने लाया हूँ, जिससे कि हो सकता है कि इनमें से ही कोई प्रश्न आ जाए या फिर इसी टाइप का आएगा प्रश्न तो आपको याद रहेगा। और मैंने UPTET सिलेबस का एक वीडियो अभी डाला है थोड़ी देर पहले,
आप उसको देख के भी पता लगा सकते हैं कौन से टॉपिक हिंदी भाषा में कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो और बहुत सारे प्रश्न आपके लिए वीडियो बना के डालता रहूँगा। धन्यवाद।